Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Friday and the time duration is around 12:27 PM in the afternoon, and today we are going to talk about the polling appointment, what is going on in this process. And apart from that, if I'll talk about yesterday, तो कल कोई slots वगैरह open नहीं हुए. And then if I'll talk about the categorization wise, so the preferred category is work visa as well as the student visa. स्टूडेंट वीज़ा के अंदर भी स्लॉट्स वगैरह कल ओपन नहीं हुए. और इसके अलावा अगर मैं आपका पीएचडी कैटेगरी बताऊं तो उसमें तो खैर स्लॉट्स वगैरह ओपन रह रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट द वर्क वीज़ा, तो स्लॉट्स वगैरह आपके ओपन नहीं हुए. एंड आई डोंट नो व्हाई दे प्लेस्ड एवरी सिंगल थिंग ऑन होल्ड, तो रिलीज नहीं कर रहे हैं स्लॉट्स. अगर मुंबई कॉन्सुलेट के लिए देखूं तो थोड़ा स्टडी में भी थोड़ा कम कर दिया उन लोगों ने. जैसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी में लोग स्लॉट्स वगैरह रिलीज नहीं कर रहे हैं. और द कैंडिडेट आर वेटिंग फॉर द अपकमिंग इनटेक, दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन फेब और मार्च का इनटेक है सबका. And still the problem is they are not releasing the slots. So you guys can do one thing, mark an email to the embassy, bolo unko apna intake wagera ke liye batao. Otherwise, so after doing that, there might be possibility they are going to release the slots, because aap log bhi offer letter wagera aa gaye honge, aur apart from that aap log ne fee wagera pay kar di hogi. Then thing is slots ka issue utna nahi aa raha. Agar slots open nahi hote to fir dono jurisdiction ke liye open nahi hote. To agar north ka dekhen to north jurisdiction mein slots open hai student visa ke liye. If I'll talk about the south, the problem is happening over there in south jurisdiction as well. अगर normally अगर एक process के बारे में भी अगर आपको बताता हूँ, तो south में उतना जितना problem south में आता है appointment के लिए, उतना north में नहीं आता. ये मैं आपको पूरा experience बता रहा हूँ. I'm using this VFS portal from last 2 years. तो अगर मैं ratio भी बताऊँ तो so if I'll talk about the student as well as work visa, south का जो scenario है थोड़ा appointment का problem होता है वहाँ पर as compared to north. और last year में भी same problem था. अगर वर्क परमिट के बारे में बात करें तो वर्क वीज़ा के अपॉइंटमेंट साउथ नॉर्थ में ओपन हो जाते थे, बट द थिंग इज साउथ में मैनुअल अपॉइंटमेंट लेना दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट द थिंग इज जब से नया इंप्लीमेंटेशन हुआ है लोगों ने स्लॉट्स वगैरह रिलीज नहीं करें, बट देर माइट बी पॉसिबिलिटी इन अपकमिंग वीक दे आर गोइंग टू ओपन द स्लॉट्स, बट देर इज नो फिक्स टाइम. सो राइट नाउ दे आर फुली ऑपरेशन बट दे आर नॉट रिलीजिंग द स्लॉट्स. इफ आई टॉक अबाउट द पीक टाइम पीक डेज एज पर द एसओपी, दैट इज वेंसडे थर्सडे फ्राइडे. और आज फ्राइडे है, आज अगर मिल गया तो स्लॉट सही है, अदरवाइज फिर 2 दिन ऑटोमेशन रन होगा. यू हैव टू वेट टिल मंडे ट्यूजडे भी उतने स्लॉट्स वगैरह आपके रिलीज नहीं होते. वेंसडे थर्सडे फ्राइडे जो इनका कोटा रहता है दैट इज ऑन 3 डेज. और इसके अलावा अगर इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस, अ लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग द लॉगिन इशू. अगर आपको दिखाऊं तो अभी मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम फेसिंग द लॉगिन इशू राइट नाउ. आई एम गेटिंग दिस पॉपअप, मैंडेटरी फील्ड कांट बी लेफ्ट ब्लैंक, जो कैप्चा एरर आ रहा. तो फिर मैंने लॉगिन वगैरह फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ आज, एंड आई एम नॉट एबल टू लॉगिन राइट नाउ. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू एज वेल, आई कैन से दिस. और इसके अलावा अदर इफ आई टॉक अबाउट द ओटीपी इशू, दे आर मैनी कैंडिडेट हुआ फेसिंग द ओटीपी इशू, हुआ नॉट फ्रॉम इंडिया, दे आर फ्रॉम श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश लोकेशन, बिकॉज देयर एक्सटेंशन इज एंटायरली डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम. जब भी लॉगिन करते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना एक्सटेंशन मैंशन करते हैं, अपना कंट्री कोड डालते हैं, देन यू मैंशन योर नंबर. बट सेम थिंग हैपन्स वाइल साइनिंग इन, जैसे आप साइन इन करते हैं तो फिर उसमें एक्सटेंशन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है साइट में. दैट इज अ ग्लिच फ्रॉम द वेबसाइट, that is a glitch from the embassy and I can say, or VFS and I can usually say that, because they are taking care of the website. There is a glitch from their end. I think it will take around 2 to 3 days. I think the normal SLA for any request raised by the candidate is 24 to 48 hours. Do one thing, mark an email to the embassy. If I have gone through the comment section, someone mentioned that they got in touch with the embassy representative and they marked an email to the candidate where they mention they have to share few information, and on the basis of that they can proceed ahead. And they have to wait for a while. You have to wait for next 24 to 48 hours if they are saying you to mark an email to their registered email ID. So do that and wait for the result. I think within next 24 to 48 hours they'll share the outcome. Agar aap aaj email karte ho, if you are marking the email today, I think tomorrow or day after tomorrow they are not operational, but I think you can expect a reply by Monday or Tuesday. So reply aa jata to sahi, otherwise every single person is facing the problem. So there are a lot of candidates who are not from India, they are from other place, Bangladesh or some other location. So they usually do the submission in New Delhi embassy as per the guidelines, and they also following the same process. But the problem is they are facing this OTP issue. I think for that you can do one thing, embassy is the main point of contact. Do one thing, mark an email to the embassy. Apart from that, CC this VFS email ID they have mentioned right here. I'll share it with you guys.
info.poland@vhshelpline.com. So you can mark an email to this email ID as well and CC the embassy website, that is right over there in the embassy's website. And then do one thing, wait for a reply. Email करने के बाद थोड़ा time आप रुको, and then there might be possibility 24 to 48 hours के अंदर reply आएगा. और people are facing the same problem from a last long time, I can say from a week. If I'll talk about India, everything is working fine. और India में अभी कल तक तो क्या site was working perfectly fine, but the thing is right now today the site is not operational. I think there might be a possibility there is a glitch from my end or my system is not working fine, that's why it is happening. Otherwise it can be a problem from the embassy or VFS, I can say. That's why the site is not operational. We can do one thing, we can check the slots on different intervals. Agar open hote hain to fir kya scenario rehta hai, fir dekho. Agar aap log login kar pa rahe ho to fir login karke dekho, aur agar kuch update aata hai to then post it on the comment section. Apart from that, aaj peak time hai, chances hain ki aaj site agar aapka operational rahe aur aapke slots agar aapko mil jaye, and that aaj 4-5 baje tak agar slots open hote hain to that would be great. Or people are waiting from a long time, and apart from that I would like to add on one more thing right here. Someone mentioned about the paid appointment. किसी ने भी कमेंट सेक्शन में एक पेड अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग मेंशन करा था कि एजेंट उसको ऐसा बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट भी प्रोवाइड कर देगा, 10 दिन के अंदर उसका वीज़ा भी आ जाएगा. आई थिंक दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल. दे हैव मेंशन पब्लिश्ड एन आर्टिकल वेयर दे मेंशन एवरी सिंगल थिंग अबाउट द इन्फॉर्मेशन दैट द एम्बेसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ स्कैम दैट विल हैपन टू यू इफ यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद एनी ऑफ द पर्सन दैट इज रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ एज एन एजेंट एंड दे आर नॉट दे मेंशन दे यूजली मेंशन दैट any agent is not linked to the VFS or embassy. If someone is saying so, that kind of things, so you have to be aware of these kind of things. You have to take care of few things. Right now the embassy is not doing any kind of work. So the thing is, if you're going ahead with the process, you have to book the appointment, and then you have to physically, on the date of appointment, you have to do the documentation on your own. Nobody can do the documentation work on your behalf. तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट वगैरह अपना 15 दिन का टाइम लगता है. और आप किसी ने मेंशन करा था कि जो पूरा प्रोसेस है उसमें उसको मेंशन करके दे रखा है कि कुछ पैसे देने के बाद अपॉइंटमेंट भी वही करके देंगे और 10 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा. और श्योरिटी है इसकी, श्योरिटी की चीज़ की नहीं होती. और अगर एजेंट आपको ऐसा बोल रहा है तो सो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू डू द स्कैम विद यू. और थोड़ा बच के रहो इन सारी चीज़ों में. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन मोर थिंग, एंड इसके अलावा किसी और कैंडिडेट ने पूरा मेंशन करके दिया था कि एजेंट ने पूरा पैकेज सेल आउट कर दिया उसे, और द प्रॉब्लम इज़ कि पैसे से उसने दे दिए और वर्क परमिट का साइन इन करा के उसको बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 3-1 महीने के अंदर उसका वीज़ा उसके पास आ जाएगा. बट द थिंग दैट थिंग इज़ नॉट पॉसिबल. एजेंट आपके बिहाफ में कुछ नहीं कर सकता. अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि आपके बिहाफ में पूरा प्रोसेस वो कर देगा, तो आई थिंक दैट इज़ स्कैम. नोबडी कैन डू दैट काइंड ऑफ वर्क, बिकॉज जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो ऐसा कहता है कि जो भी अगर आप प्रोसेस वर्क परमिट अगर आपके पास आ जाता है, देन आपको अपॉइंटमेंट परचेज करना पड़ता है, एंड देन अपना डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं, चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर 15-30 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आता है, देन फिर आपको पता चलता है कि आपका वीज़ा रिजल्ट क्या है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपना जाना होता है. अगर एक्सेप्टेंस आया, अगर स्टैंप लग जाता है, तो फिर आप ट्रैवल करते हैं. वीज़ा स्टार्ट डेट होती है, वीज़ा स्टार्ट डेट होने से पहले आप ट्रैवल करते हैं. अदर थिंग इज़ कि आप सेकेंड थिंग ये होती है, अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो फिर आप रीअपील करते हैं. रीअपील करने के बाद अगर वीज़ा लगा तो सही है, फिर अदरवाइज़ आप वहाँ के लिए ट्राई नहीं करते हैं. अगर वीज़ा अगर आपका रीअपील में भी रिजेक्शन आता है, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. फिर आपको प्रोसेस छोड़ना पड़ता है. और दो ही डिसीजन होते हैं, जैसे आपको बताया तो आपको वीज़ा लगेगा या तो आपका रिजेक्शन आएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर वॉज वन मोर क्वेश्चन आस्क फ्रॉम अ कैंडिडेट रिगार्डिंग द प्रोसेस दैट द डॉक्यूमेंट इज रेडी फॉर कलेक्शन, वट कैन दे डू. सो राइट नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, अगर आपका डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए रेडी है तो फिर आपको जो भी आपके रिस्पेक्टिव एम्बेसी है, जहाँ भी आपने सबमिशन करा, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं. फिर आपको पता चलता है अभी जैसे ही अगर आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आया होगा, इफ़ यू हैव डन द प्रोसेस थ्रू VFS, इन दैट सिनेरियो यू कैन ट्रैक द अपडेट ओवर दैट. इफ दे आर सेइंग दैट योर डॉक्यूमेंट इज रेडी फॉर कलेक्शन, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू गो टू द एम्बेसी और फिर वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना पड़ता है. अगर आपने कुरियर सर्विस ऑप्ट करी है तो इन दैट केस जो आपका एड्रेस आपने मेंशन करा है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और जो अभी स्टेटस अभी पता नहीं चलता फिर वहीं जाके आपको पता चलेगा. ऐसे आपको बताते नहीं है वो लोग कि आपका वीज़ा लगा नहीं लगा. अगर वहाँ पे जाओगे फिर पता चलेगा. अगर आपका वीज़ा लग गया होगा तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. अगर रिजेक्शन आया होगा तो फिर उसमें एक रिफ्यूज़ल लेटर होगा, उसमें सारे पॉइंट होते हैं आपके 1 से 10 तक का, जिसमें आपका
दस नंबर का पॉइंट है, आठ नंबर का पॉइंट है तो इंटेंशन वाले होते हैं, और तीन नंबर का पॉइंट आपका आता है दैट इज़ फॉर दिस बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट आपका गलत लगता है तो तीन नंबर का वो आता है, एंड देन अकोमोडेशन लेटर आपका मिसिंग है तो सात नंबर का आता है, और वर्क परमिट के साथ अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है देन सिक्स नंबर का आपका प्रॉब्लम आता है, सिक्स नंबर पर आपका क्लिक किया हुआ। लाइकवाइज देर आर सो नंबर, देर सो मैनी पॉइंट्स, और हर पॉइंट कुछ ना कुछ चीज़ डिनोट करता है। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट आपका पासपोर्ट के रिगार्डिंग होता है। अगर आपका पासपोर्ट में वैलिडिटी नहीं है, अगर फिर फर्स्ट नंबर पर आपका रिजेक्शन आता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, एक बार रिफ्यूजल लेटर की मैं आपको एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आने वाले टाइम पे दो तीन टॉपिक वगैरह बनाने, कल परसों में आपको प्रोसेस के रिगार्डिंग एक अपडेट प्रोवाइड करना है, वो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।